हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आसिवाल इंजीनियरिंग क्लासेज। आज का हमारा जो मैकेनिकल वाइब्रेशन का टॉपिक है वो अनडैम्प्ड फ्री टॉर्शनल वाइब्रेशन का है। आप यहाँ पर एक फिगर देख सकते हैं, यहाँ पर एक शाफ्ट है, उसका डायमीटर डी है और जो शाफ्ट है उसकी लेंथ एल है। यहाँ पर एक शाफ्ट पर एक डिस्क लगी हुई है, डिस्क को हम रोटेट करेंगे इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। तो ये शाफ्ट है उसका एक खुद का एक स्टिफनेस होगा, उसे हम टॉर्शनल स्टिफनेस कहेंगे। लेट KT इक्वल्स टॉर्शनल स्टिफनेस ऑफ शाफ्ट। DLMBED में हम स्टिफनेस को K से लिखते थे, पर हम यहाँ पर टॉर्शनल स्टिफनेस में इसे KT से रिप्रेजेंट करते हैं। KT टॉर्शनल स्टिफनेस ऑफ शाफ्ट। अब आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो डिस्क है उसको हम रोटेट करवाने से पहले जो उसकी इनिशियल पोजीशन होगी उसे हम OS से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हम शाफ्ट को रोटेट करवाने के बाद में जो उसका डिस्प्लेसमेंट है उसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो उसकी लास्ट पोजीशन होगी उसे हम A डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर जो थीटा है वो एंगल है, डिस्प्लेसमेंट एंगल। अब हमने जो इस डिस्क पर जो टॉर्क अप्लाई किया उसे हम रिलीज़ करते हैं, तो ये जो डिस्क है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी। फिर से जो ये गेन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी। ये प्रोसेस चलता रहेगा, मतलब ये जो ऑक्सीलेशन परफॉर्म कर रहा है उस ऑक्सीलेशन को हम टॉर्शनल वाइब्रेशन कहेंगे। तो हम टॉर्शनल वाइब्रेशन की डेफिनेशन देखते हैं। तो टॉर्शनल वाइब्रेशन की डेफिनेशन कुछ इस तरह रहेगी कि अगर हम बॉडी को एक टॉर्क प्रोवाइड करेंगे और टॉर्क को रिलीज़ करेंगे तो ये जो मोशन परफॉर्म होगा उसे हम टॉर्शनल वाइब्रेशन कहेंगे। तो अब हम इस सिस्टम की नेचुरल फ्रिक्वेंसी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे ये डिस्क है उस पर कौन कौन से टॉर्क लग रहे हैं। यहाँ पर सिस्टम पर टॉर्क लगेंगे, और DLMBED में हमने देखा था कि जो सिस्टम है उस पर फोर्स अप्लाई होता था। यहाँ पर टॉर्क इसलिए लगेंगे बिकॉज ऑफ एंगुलर मोशन। यहाँ पर जो मोशन हो रहा है वो एंगुलर मोशन हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर टॉर्क अप्लाई होंगे। टॉर्क एक्टिंग ऑन द डिस्क, इनर्शिया टॉर्क होता है। बेसिकली जो डिस्क है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो जो इनर्शिया टॉर्क लगेगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा। जो इनर्शिया टॉर्क होगा वो I θ" होगा, और जो DLMBED में इनर्शिया फोर्स लगता था वो होता था M(x)". यहाँ पर जो इनर्शिया टॉर्क लगेगा वो होगा I θ" बिकॉज ऑफ इनर्शिया टॉर्क की वजह से। रिस्टोरिंग टॉर्क ड्यू टू शाफ्ट, यहाँ पर एक फोर्स और एक टॉर्क और लगेगा, रीस्टोरिंग टॉर्क। जो ये शाफ्ट है उसका रीस्टोरिंग टॉर्क भी लगेगा, उसे हम KT θ से रिप्रेजेंट करते थे, और जो DLMBED में होता था वहाँ पे हम KX" से रिप्रेजेंट करते थे। बेसिकली जो DLMBED में X होता था उसे हमने यहाँ पे थीटा से रिप्लेस कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू DLMBED प्रिंसिपल, समीशन ऑफ इनर्शिया टॉर्क प्लस एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर जो रीस्टोरिंग टॉर्क और इनर्शिया टॉर्क होगा वो दोनों एक ही डायरेक्शन में लगेंगे, तो यहाँ पे जो रीस्टोरिंग टॉर्क और इनर्शिया टॉर्क होगा उनको हम प्लस करके जीरो के इक्वल्स करेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से टॉर्क यहाँ पे जो टॉर्क लग रहे हैं उन्हें लिख लिया I θ" प्लस KT θ इक्वल्स टू जीरो। अब जो इक्वेशन है उसे हम I से डिवाइड करेंगे, तो θ" प्लस KT/I(θ) इक्वल्स टू जीरो, इसे हम इक्वेशन वन नाम देंगे। अब हम जानते हैं कि सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन क्या होती है। जो लीनियर की सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन होती है वो होती है X"(ωn)(x)=0। पर यहाँ पे जो मोशन हो रहा है वो एंगुलर मोशन हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे जो SHM की इक्वेशन वो होगी θ" (ωn)²(θ)=0। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन टू नाम देंगे। यहाँ पर हम इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को कंपेयर करेंगे, तो जो होगा ωn²(KT/I)(ωn)√KT/I), जो स्क्रीन टू थी उसे हम रेडियन पर सेकंड कहते हैं। अगर हम इक्वेशन में दिया हुआ हो कि उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी ज्ञात करो, नेचुरल फ्रिक्वेंसी FN(ωn)/2π, तो यहाँ से हम ωn की वैल्यू पुट कर देंगे तो इक्वल्स हो जाएगा 1/2π(√KT/I), जो इसकी यूनिट होगी वो अटैच में होगी। अगर हमें दिया हुआ कि टाइम पीरियड भी ज्ञात करो, तो टाइम पीरियड TP/, जो टाइम पीरियड होता है वो 1/ फ्रिक्वेंसी होता है, तो यहाँ से हम नेचुरल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वल्स हो जाएगा 2π(√I/KT), जो टाइम पीरियड होता है उसकी यूनिट सेकेंड होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।